कोरोना काल में सभी परेशान हैं, इसी तरह किसान भी परेशान है और सभी ओर अभी प्याज का सीजन चल रहा है। प्याज की फसल बिल्कुल तैयार है, ऐसे समय में केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर बंदी की घोषणा कर दी है, जिससे किसान और ज्यादा परेशान हो रहे हैं। इस घोषणा का सभी ओर निषेध भी हो रहा है। महाराष्ट्र के प्याज को बड़ी संख्या में विश्व भर में पसंद किया जाता है, जिस वजह से महाराष्ट्र बहुत बड़ा निर्यातक है प्याज के लिए, लेकिन केंद्र सरकार के निर्यात पर बंदी की घोषणा के बाद महाराष्ट्र के किसानों पर बिजली गिर सकती है। इसके विरोध में सभी तरफ अब सरकार का निषेध किया जा रहा है और सरकार से यह दरखास्त की जा रही है कि बंदी की घोषणा वो वापस ले ली जाए। जलगांव में भी राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से सरकार का निषेध व्यक्त करने के लिए एक छोटा सा मोर्चा निकाला गया, जिसमें यह मांग की गई थी कि किसानों पर इस तरह का अन्याय न किया जाए और प्याज के निर्यात को बंद न किया जाए। बंदीमुळे परकीय चलन येणार नाही, त्यामुळे शेतकरी व व्यापाऱ्यांचे नाही तर निर्णयामुळे देशाचे नुकसान होत आहे। कोरोना महामारीचं संकट असताना आज शेतकरी फार मोठ्या अडचणीत आलेला आहे। कांदा निर्यात बंदीमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारताची प्रतिमा मलिन होईल। तुझं सरकार सरकार है। एक और भारत सरकार कोरोना काल में लोगों की मदद करने का आश्वासन दे रही है, दूसरी ओर कई ऐसे निर्णय लिए जा रहे हैं जिससे आम नागरिक, किसान और जनता परेशान है। सरकार प्याज के निर्यात पर बंदी को लेकर क्या नए कदम उठाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यालय से आयोजित इस मोर्चे में वहां जलगांव के रविंद्र भैया पाटिल, जलगांव महानगर के अध्यक्ष अभिषेक पाटिल, गफ्फार मलिक, नामदेव चौधरी समेत राष्ट्रवादी के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। जलगांव से धर्मेंद्र राजपूत के साथ आनंद शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया आप तक न्यूज के लिए। नक्षत्र मंगलम अलंकार मंगलम। रतनलाल सिंह ज्वेलर्स, भारत वर्ष का स्वर्ण तीर। हे गाइस,